हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा नाम है मानविंद्र कुमार और मैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में रहता हूं। तो आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैंपस आप लोगों को दिखाता हूं और इसके अलावा जो है वो अपना ऑफिस भी दिखाऊँगा कि PhD स्टूडेंट को कैसे एकोमोडेट किया जाता है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो, ये है मेरी फैकल्टी की बिल्डिंग, फैकल्टी ऑफ एग्रोबायोलॉजी। और ये जो आप देख रहे हो बड़ी सी पतली सी बिल्डिंग, ये काफ़ी पतली है, उधर से मैं एंगल दिखाऊंगा ना तो देखना आप। ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाली बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कागज़ पत्र वाले जो काम नहीं होते हैं वो वाली बिल्डिंग है। इसके अलावा ये एक छोटा सा मीटिंग पॉइंट है जिसमें कि ये वैसे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही क्या नाम है, रंग बिरंगा ये ग्राउंड है यार। जब मैं आया था ना तो इतने सारे रंग के इसमें जो है वो फ्लावर्स वगैरह खिले हुए थे, लेकिन अभी तो जैसे ठंड का मौसम है तो सूख गए हैं। बट स्प्रिंग टाइम जब आएगा फिर से जब फ्लावरिंग होगी तो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये है वैसे एक कोना, वैसे मैं यूनिवर्सिटी का दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी है। किसी दिन जो है वो पूरा टूर कराऊंगा मैं यूनिवर्सिटी का, बट वो कई पार्ट में मुझे बनाना पड़ेगा। और मैं हमारे बिल्डिंग के सामने ही एक छोटा सा काले पानी का तालाब है, बट ये पानी अभी पता नहीं क्यों काला हो गया है। वैसे ये काला है नहीं, काफ़ी साफ़ पानी था और इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ भी देख रखी मैंने। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें आप ये देख रहे हो ना, ये जो पानी से ऐसे सीढ़ी नुमा ऐसे बाहर बनाया गया है, ये बनाया गया है कछुओं के लिए। कछुए इसमें से बाहर आते हैं और इन पट्टियों पर जो है लकड़ियों पर बैठ करके धूप सेकते हैं। और ये हर तरफ बनाया गया है, वहाँ भी है, उधर कोने में भी, उधर कोने में भी, ठीक है, उधर भी कोने में। तो ये इसके अंदर जो है वो काफ़ी कछुए वगैरह भी हैं, बट नज़दीक जाओ तो अंदर भाग जाते हैं ये। और इसके अलावा और क्या मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, हर जगह पे जो है वो कॉनिफर्स वाले आपको प्लांट्स ही दिखेंगे। और ये एक कुछ ऐसा है कि ऐसे मार्बल के ऊपर जो है वो सारे क्या बने हुए हैं, वर्ल्ड प्लॉगिंग कॉन्टेस्ट 2005। तो ये कोई कॉन्टेस्ट हुआ था 2005 में और उसमें इन देशों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया होगा शायद, ऐसा कुछ। तो उनके नाम लिखे हुए हैं, इंडिया का नाम है कहीं, इंडिया, अरे कोई मतलब नहीं था इस कॉन्फ्रेंस का, इसका मतलब फर्जी है, हमारे देश को बुलाया नहीं तो इसका क्या मतलब है फिर। इधर भी है, पीछे पीछे नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है वो इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है वैसे। तो चलिए सेंटर कैंपस को थोड़ा सा और आप लोगों को घुमाता हूँ। एंड जैकेट पहनना भूल गया, अंदर ही रख दिया ऑफिस में। भाई इतनी तेज ठंड, ठंडी हवा चल रही है यार। देखो बात ये है ना कि व्लॉगिंग ये शायद मैं ऐसे बाहर ना पहली बार कर रहा हूँ, तो पहला व्लॉग है, ठीक है, उतना अच्छा क्या बोलना होता नहीं पता है, बट 10वें व्लॉग में देखना कैसे बोलूँगा और कैसे चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये है कुछ बहुत ही जो है वो रंग बिरंगे जो है वर्टिकल फार्मिंग। और यहाँ पे सेंट्रल क्लॉक है जिसमें आप टेम्परेचर वगैरह भी देख सकते हो। और जो है ये सामने जो दिख रहा है ना, ये है इकोनॉमिक फैकल्टी। और इकोनॉमिक फैकल्टी और एग्रोबायोलॉजी फैकल्टी के बच्चे जो हैं वो यहाँ आके मिलते हैं, इसलिए इसका नाम है मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट नहीं, मीटिंग पॉइंट, अरे जोक मार रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, मतलब कि बेंच के पास जो है वो लोगो लगा देते हैं मीटिंग पॉइंट का, कि जैसे बैठने बैठने का। तो देखो ये आ गया हमारा जो है मेन फैकल्टी। हमारा डिपार्टमेंट जो है वो दो फ्लोर में हमारा डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, तो ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही आपको फैकल्टी में रिसेप्शन मिलेगा, अगर आपको कोई कहीं जाना है, पूछना, मतलब कुछ ऐसा काम वाम है कि फैकल्टी में कहाँ किससे मिलना है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। इसके अलावा सामने ही जैसे आप अंदर आओगे, सामने ही डिजिटल स्क्रीन पर ये दिख जाएगा कि फैकल्टी में क्या जो है वो कुछ आज होने वाला है, ऐसा कुछ। और ये सामने जो है ये काफ़ी ऐसी गहरी बिल्डिंग है, ये नीचे बेसमेंट में मेरी लैब है, कभी दिखाऊंगा आप लोगों को। और एक चीज़ और, ये यूरोप में सेंट्रल जो है वो आईसेक कार्ड का सिस्टम होता है। एंड हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे क्या है कि इसमें आप अपने
मतलब असली पैसा इसमें डाल सकते हो, बट वो इस मशीन से जो है वो इसको रिचार्ज कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी प्रोवाइसेस के अंदर जितने भी कैंटीन्स या जो भी मतलब दुकानें हैं, उसमें आप एज अ एटीएम की तरह अपने यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी जो है वो बात है। आप बताओ। चलो, ये आ गए हम अपने ऑफिस में। जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही मेरा पहला ऑफिस है। और ये मैंने बटन को पता है क्या किया, मैं दिखाता हूँ, जल जाए तो जल गई। मैंने बटन को बंद किया, बंद करने पे यहाँ पे लाइट जलती है, तो यानी उल्टा सिस्टम है। क्यों क्यों भाई क्यों? तो ये है मेरा खूबसूरत सा ऑफिस, जिसमें कि जो है वो यहाँ पे आपको अपने जो है जैकेट वैकेट टांगने का स्पेस दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक कलीग हमारी बैठती हैं, यहाँ पे एक कलीग बैठते हैं, और ये उनका कैबिन है। इसके अलावा इसी रूम में डिवाइडेड है जो है ये पार्ट। वैसे तो ये दूसरा रूम है, बट इन दोनों का जो एंट्री गेट है वो सेम है। तो ये है मेरा रूम जिसमें कि हम दो लोग बैठते हैं। ये दोनों जो है ये मेरा सिटिंग एरिया है इस टाइम पे, और यहाँ पे एक मेरा कलीग बैठता है। यहाँ पे अपने जो है वो हम डेली रूटीन वगैरह कुछ लिखना होता है तो लिखते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं वो हमने भर रखे हैं अपने पूरे ऑफिस में। और ये पूरी दीवार जो है वो कवर्ड की है इधर वाली। इसमें जितने भी हम पार्सल्स वगैरह अपने लैब के रिगार्डिंग जो भी हम ऑर्डर करते हैं, मतलब केमिकल्स या फिर कोई इक्विपमेंट या कोई, वैसे जैसे मेरा तो काम फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग है, बायोगैस के, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो जो भी हमारी शिपिंग्स होती हैं वो सब हम यहाँ स्टोर करके रखते हैं, और जब भी काम होता है तो उसे हम अपनी लैब में ले जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो इधर एक छोटा सा किचन भी दे रखा है प्यारा सा, जिसमें कि आप चाय पानी वगैरह जो है खाना भी बना सकते हो। वैसे तो ऐसे खाने के लिए कॉइल नहीं है, कॉइल इन द सेंस के इंडक्शन वगैरह, बट एक जो है केटल दे रखा है। तो कुल मिला के कॉफ़ी चाय वगैरह आप जो है कर सकते हो। और खाना घर से ले आओ तो बर्तन यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे आप वो कर सकते हो। इधर जूते वूते रखने का सिस्टम भी है, इधर डस्टबिन दे रखा है एक। और तो यही है सारा का सारा जो है। सामने अगर हम पूरी की पूरी अगर ये विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर दें, ओपन इन द सेंस की जो क्या कहते हैं इनको, जो कुछ भी मतलब इनको अगर हम टिल्ट कर दें और रोशनी अंदर आए, तो भाई इतना अच्छा लगता है। बाहर से बैठे बैठे जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ से दिखती है। तो ये है दोस्तों जो है मेरा ऑफिस, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और जैसे कि मैंने दिखाया था ना, बेसमेंट में मेरी लैब है। लैब का भी कभी दूंगा टूर कि लैब में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मेरा मेन टेक्निकल चीज़ें आप लोग से भी शेयर करूँगा बहुत सिंपल भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ठीक है, और करते हैं धीरे धीरे और भी चीज़ें आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। किसी मैं यूनिवर्सिटी का सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा कैंपस है एक, तो सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे जो है वो एक टूर करूं पूरी यूनिवर्सिटी का, एंड पार्ट में जो है वो वीडियोस अपलोड करूं और आप लोग इन्जॉय कर पाओ कि यूनिवर्सिटी की हमारी ब्यूटी कैसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और तमाम चीज़ें जो कुछ भी आप लोगों को दिखे और आप लोग को अच्छा लगे। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए अभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। अगर कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन वगैरह भी है तो वो सब भी आप कमेंट वमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मेल और इंस्टा दे रखे हैं भाई, कोई चार्जेस कोई फीस वीस कुछ नहीं ले रहा हूँ। कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।